पैथोलॉजी के मानी होता है इट डील विद द स्टडी ऑफ डिजीज, इट डील विद द स्टडी ऑफ डिजीज देयर कॉज एंड सिम्पटम। कोई भी स्टडी का डिजीज क्या है, क्या कॉज है, क्या उसके सिम्पटम अगर जान लेंगे तो एकदम इजी हो जाएगा मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना। तो हम लोग क्लिनिक में जो हम डायग्नोसिस 70% बनाते हैं उसको 30% और दूर का कंफर्म करने के लिए, ओरिजिनल डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, डायग्नोसिस बनाने के लिए पैथोलॉजी की बहुत ही जरूरी है। और जैसे एग्जाम्पल में क्लिनिकल एक्सपोजर आज का जो टॉपिक है उसमें देख लीजिए ये क्या है, ई एस आर ट्यूब है, देखिए ई एस आर ट्यूब है, ठीक है। ये ई एस आर ट्यूब में क्या होता है कि उसमें ब्लड है, 2 ml ब्लड होता है और 0.5 ml ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है, तो 2.5 ml मिलकर होता है। अगर 1.6 ml अगर ब्लड होता तो 0.4 ml ट्राइसोडियम साइट्रेट, दैट इज का 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है। मिलाकर 2 ml रहता, उसको मिक्स करके होल लाता, उसमें ये 200 मात्र ये ट्यूब है इसमें डालते और उसके बाद स्टैंड पर खराब कर देते। और जो ESR का मतलब होता है एरेट ऑफ सेडिंग, एरेट ऑफ सेडिंग और सेडिमेंटिंग और आरबीसी, आरबीसी के नीचे बैठने गिरने बैठने की जो रेट है उसको कहते हैं ESR। तो ऊपर में जो है प्लाज्मा है और नीचे क्या है, ये सेल है, क्या है, सेल है। और उसे ब्लड में ही आप कह सकते हैं, कोई भी ब्लड है, कोई भी ब्लड में तो कोई भी ब्लड है 45% प्लाज्मा होती है, 45% सेल होती है और 55% प्लाज्मा होती है। और ये जो प्लाज्मा है इसमें 8-10% सॉलिड होते हैं, 90-92% वाटर होती है, याद रखिए। उसी के अंदर होता है जो सेल सॉलिड पहुंचती है उसी के अंदर होता है नाइट्रोजन संस्थान, नॉन नाइट्रोजन संस्थान, कोलेस्ट्रोल से लिपिड संस्थान, नॉन लिपिड संस्थान होती है। तो ये प्लाज्मा भी इसी बार आप समझिए कि इसको प्लाज्मा कहते हैं, इसको सेल कहते हैं। प्लाज्मा कब करेंगे, क्योंकि EDTA ट्राइसोडियम सोडियम एंटीकोगुलेंट एजेंट जब भी ब्लड के साथ मिक्स होते हैं उसको प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा माइनस फिब्रिन दैट इज कॉल्ड सीरम कहते हैं। जब कोई भी ब्लड को डेड सेडिमेंट करा दिया, ऊपर का जो फ्लूड है वह होता है सीरम होता है, ये प्लाज्मा है। तो ये साथ ट्यूब स्टैंड ये है, ये देख लीजिए। और ये सबसे बड़ी आई है ये कि छोटा सा पर लेबोरेटरी में बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है। और इसमें बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में कोई भी बायोकेमिकल मेजर जैसे ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिन, टोटल लिपिड प्रोफाइल के अंदर में टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDA LDA, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड, ये सब रीड। इसी तरह लीवर फंक्शन टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन, SGPT, SGOT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सब टेस्ट होता है। जिस तो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसका लिपिड प्रोफाइल, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें भी होती है, अलग से भी मशीन इलेक्ट्रोलाइट्स ही आती है, जैसे सीरम सोडियम पोटासियम क्लोराइड जैसी। तो लेबोरेटरी में बायोकेमिकल एनालाइजर है, सेम ही कर देता है। इसमें इसमें देखिए ये देखते हैं, इसको पुश करते हैं, ये ट्यूब जैसे ये है, ब्लड है ये रखा हुआ, तो ये पुश मिक्स करके आप पुश करते हैं और बैक कीजिए या डाइल्यूट करके, जो जिस केमिकल से टेस्ट करना डाइल्यूट करके पुश कीजिए, जितना लेना वो सक कर लेगा और उसके अंदर रिपीट रिकॉर्ड अपने खुद रीडिंग दे देती है। तो ये सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है IS के तरह। ये देख लीजिए आप कि सेल कॉन्टर, इसको पाते हैं नाम से सेल कॉन्टर, नाम नहीं देखने से लेकिन है इसमें बहुत बड़ी चीज, सेल कॉन्टर है, लेकिन इसमें टी में टोटल WBC, टोटल RBC, टोटल प्लेटलेट्स पहले ही आती है, उसके बाद डिफरेंशियल कॉन्ट WBC 5 टाइप होते हैं, पॉलीफोमोर्फोन्यूक्लियर जिसको न्यूट्रोफिल कहते हैं, इसनोफिल और बेसोफिल और लिम्फोसाइट मोनोसाइट, 5 सेल है। उसके बाद इसके अंदर TCB, MCB, MCS, उसके बाद रेड बिट से प्लेटलेट बिट से उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल कौन, एब्सोल्यूट इसनोफिल कौन, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल इसनोफिल कौन आता है लिम्फोसाइट, ये सब की सब इसमें CBC के अंदर आ जाते हैं। ये CBC यहाँ पर ये मैप में देखते हैं, मेक द स्लाइड इंक्लूड इसमें लिखा भी है, तो ये CBC के अंदर आते हैं। उसके बाद आइए ये रोटेटरी मशीन है, कोई भी
हम लोग बैकमिस्टिक करते हैं या सीबीसी करते हैं तो मिक्स करके अच्छे से मिक्स करने के लिए रोटेटर है, ऑन करेंगे। अरे ऑन करो तो सिस्टर वर्क कीजिए प्लीज, ऑन इट, एक सेकंड ऑन कीजिए प्लीज, ऑन इट। ये रोटेटरी मशीन है, इससे क्या है, ये देखिए ये ट्यूब है ब्लड का ट्यूब, इसको इस पर डाल देंगे, अपने आप ऑन करेंगे तो रोटेट करेगा। ये रोटेटरी है, इसको रेडी कीजिए ऊपर ले जाए, इसको ये नीचे बस क्या है, ये रोटेट करने से इससे फायदा होगा कि ये मिक्स स्थिति मिक्स होगा तब करने से एक्यूरेसी प्लेटलेट आरबीसी डब्ल्यूसी एक्यूरेसी में है, नहीं तो एक्यूरेसी ऊपर से ले लेंगे तो पता चला डब्ल्यूसी ज़्यादा आ गया सी कम आ गया, इसलिए ये रोटेटर मशीन है, इंटीकोगुलम ब्लड में डाला हुआ ये रोटेटर है। तो ये डाल देंगे तो ये रोटेट करता रहेगा अपने आप, ये रोटेट रहेगा, इससे क्या फायदा होगा, ये रोटेट कर मिक्स अच्छे से होगा, इससे होगा। देखिए रिंस है, डाइल्यूशन है, ये रिंस है, देखिए डाइल्यूशन है, इससे लैज है, लैज क्या करता मारता, अगर मान लिया डब्ल्यू सी हमको लेना है तो आर बी सी प्लेटर को मार देगा, लैज मीन्स मारना कर देगा, तो आर बी सी प्लेटर मार देगा तो डब्ल्यू सी आएगा, इससे रिंस आएगा, साफ करेगा, क्लियरिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, इसी तरह क्योंकि एक ही ब्लड के अंदर डब्ल्यू बी सी टेस्ट करना है, आर बी सी करना है, प्लेटलेट निकालना है, तो अलग अलग कैसे करते निकलते हैं, इसी तरह एक दूसरे केमिकल इसमें मिला हुआ मार देगा किसी को, किसी को जिंदा रखेगा, अलग अलग स्टेप उसको एक करते हैं। ये डायल्यूशन है, ये डायल्यूशन इसी सब मिक्स है, तीन मिनट के अंदर मिक्स कर निकलते हैं। तो ये जो लैब है सेंटर पैथो लैब जीटीएसएस का सेंटर पैथो लैब है, और इसमें यहाँ का ओनली ये टेस्ट यहाँ होता है, और सब प्रैक्टिकल जो कलेक्शन सेंटर है और वहाँ लैब है, मैं आपको ले चलता हूँ। और वह देखो एग्जाम्पल एक देखिए ये किट दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए ये रैपिड टेस्ट होता है किट में छोटा था, मान लिया देखो ये क्या आप गौर से देखो क्या चीज़ है, अब इसको देखो टाइफाइड आईजीटी आईजीएम है, ये पॉजिटिव है, डोल लाइन पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, ठीक है, डबल बैंड है, डबल बैंड। और इसी तरह डेंगू NS1 एंटीजन के कार्ड है, देखिए दोनों में एक एक लाइन है, सी पर है, ये कंट्रोल है, इधर टेस्ट लाइन नेगेटिव है, मतलब है कि डेंगू टेस्ट ये नेगेटिव है सराइड। इसमें क्या करते हैं, सीरम 2 से 3 ड्रॉप सीरम डालते हैं, और एक आपको एक सोलूशन है, इसके बाद बफर्ड होता है, उसको क्या करते हैं बफर्ड करते हैं, वह बफर आगे तेरा ले जाता है, क्लीनिंग करके साफ करेगा, और उसके ऊपर बफर करने के बाद डालने के बाद क्लियर आ जाएगा। निगेटिव है तो सिंगल बैंड, पॉजिटिव है तो डबल बैंड। इस तरह ये देखो प्रिग्नेंट ये क्या है मलेरिया कार्ड है, सिंगल बैंड है, निगेटिव है, ये 3 से 4 ड्रॉप डाल दिया सीरम, और उसके बाद बफर डाल दिए, बफर साफ करता है, कोई भी बफर करना साफ करना, कोई भी केमिकल में बफर डालते हैं साफ कर देगा, फिक्सेशन करता है, उससे क्लियर होगा। देखो सिंगल बैंड डबल बैंड पॉजिटिव स्लाइड है, नेगेटिव है, इस तरह ये टेस्ट करते हैं। और चलिए लैब में बताइए, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ब्लैक है क्या, ये क्या ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें 300 रनिंग पर मिनट, आप इसको देख सकते हैं, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में एक चीज आपको समय दिखा दूं आपको, ये उल्टा सब लगा, यहाँ देखिए 1, 2, 3 है, 300 रनिंग पर मिनट, यहाँ देखिए 1, 2, 3 यानी एक मिनट में 300 बार रनिंग पर मिनट नॉर्मल चलाना है, 100 रनिंग पर मिनट, 200, 300, 400, 500 तक दिया जाए 4 तक, लेकिन एक मिनट में 300 बार रन करती है, इसे रनिंग पर मिनट बोला जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज है, और हमेशा एक दूसरे के को बैलेंस रखना है, तब ये तो फेंका जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा ग्लास, ये वो है, ये तो रिपोर्ट निकालने का है। ये माइक्रोस्कोप है, ये इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड बायनोकुलर माइक्रोस्कोप, बायनोकुलर मीन्स दो आंख से देखने वाली चीज को, ये बायनोकुलर है, ये हट गया तो मोनोकुलर है, ये बायनोकुलर। और कंपाउंड क्यों कहें, इसमें लेंस 10x लगा है, मल्टीप्लाई एक्स लिखा है, 40 लो पावर है पर 100 आयरन मसल लेंस, ये 3 लेंस 4 लेंस लगा है, 5 10 4x2 इंटू है मल्टीप्लाई, ये
तो इसलिए इसको कंपाउंड करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंगल लगता तो कंपाउंड नहीं होता, सिंपल होता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बायनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप करते हैं, कोई भी स्लैब को स्टेनिंग करते हैं। ये स्लैब है, ये लिस्मन एस्टेस स्टेनिंग है, डिफरेंशियल कॉन्ट के लिए, मलेरिया के लिए, काला दाग के लिए टेस्ट किया। ये स्लैब है, गुड स्लैब है, इसको स्टेनिंग करने पर इसके अंदर आयर इमर्सन लेंस के अंदर आयर सीडर उड़े आयर के साथ देखते हैं, और उसके अंदर माइक्रोस्कोप से जो जैसे न्यूट्रोफिल का सेल कैसा स्ट्रक्चर है, लिम्फोसाइट का कैसा स्ट्रक्चर है, मोनोसाइट का कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें फिर बेसोफिल, ये सब इसको फोन करते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से ये है। अब एक है हॉट एयर ओवन मशीन, हॉट एयर ओवन मशीन है। ये हॉट एयर ओवन का क्या काम है, पहले तो इंक्यूबेटर कर सकते हैं, दो एक ही के साथ हॉट एयर ओवन इंक्यूबेटर मशीन सब एक ही साथ है। क्या है, एक तो स्टेलाइजेशन के लिए है, अगर 100 टेम्परेचर ज़्यादा डाल देंगे 130-140 पर तो कोई भी बैक्टीरिया मर जाएगा, तो इसलिए कर सकते। दूसरी बात, हम कल्चर ग्रोथ करने के लिए, कोई भी कल्चर करने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 घंटे के छोड़ देते हैं पेटी डिश में बनाकर, तो कोई भी बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पर 37 डिग्री टेम्परेचर छोड़ देंगे 12 घंटा पर, तब निकालेंगे डिस्क में बैक्टीरिया ग्रोथ है या नहीं पता चलेगा। तो इंक्यूबेटर भी इसको कहेंगे, एक पंथ दो कार इससे हो जाता है। तो ये हॉट एयर ओवन कर सकते हैं, इंक्यूबेटर कर सकते हैं, ये मशीन स्टेलाइजेशन मशीन कर सकते हैं, ये सब एक ही साथ कर देता है काम। तो ये रहना कोई भी लैब में बहुत ज़रूरी है, बिना उसका लैब अधूरा है। चलिए आप कुछ उस लैब के बारे में, हीमोग्लोबिनोमीटर है और देखिए ये HBPPET करते हैं, HBPPET है 20 माइक्रोन का ये मार्क होता है, यहाँ तक ये ब्लड लेना रहता है, ठीक है। और ये इसमें N/10 SCL लगता है, N/10 नॉर्मलिटी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का N नॉर्मलिटी है N/10, कुछ को 3 गुना से डाइल्यूट किया जाता है, इसलिए नॉर्मलिटी इंटू 10। तो उससे जो भी जैसे 1 ml है, 10 mg प्लस दिया जाता है। ये है जी, ये जो बॉक्स है और ये इसमें ट्यूब होगा मिक्सिंग मैकिंग, ये जो देख रहे हैं, ये देखिए सबसे छोटा पॉइंट 20 mm तक है। ये एक आदमी डालो थोड़ा सा, इसको खोलो, इसमें डालो, सबसे लोअर बॉर्डर का 20 ड्रॉप डालो, डालो ड्रॉप से ड्रॉप ले लो, एक मिनट नहीं डालते नहीं, हमको नहीं दिख रहा, निकाल धीरे धीरे डालो, एक आदमी डालो 20 माइक्रोन उठा है ड्रॉप, बस ये हो गया, क्योंकि ये 20 रहा, ये डाले इसमें, और ये मैं ही तो ब्लड ले तो मिक्स में एक ब्लड ले तो एक मैं ही बता देता हूँ, तुम लोग को मुँह में आ जाएगा, पहला दिन जो करोगे मुँह में आ जाएगा प्रैक्टिकल में, पहला दिन ये मिक्स वेल करना है अच्छी तरह मिक्स, इसीलिए कि ये EDTA फ्लूड में होना चाहिए कि जमे नहीं, ये को इसको हम डाले और हल्का से मान ली ब्लड है, ठीक है 20 ml इसमें डाले, एक ठीक है प्रैक्टिकल बनाते जरूरी है, इसको आप लीजिए सब। देखिए ये मिक्स पेन, आपने बोला था ब्लड का रेड कलर था, ये मिक्स करते हुए ये ब्रोन की तरफ जा रहा है, अगर नहीं जा रहा मतलब कि ये फ्लूड एक्सपायरी था, लंबा टाइम से रखा हुआ था, इसलिए कि आप सबको इम्प्रेज हो गया है, तब भी देखो ब्रोन की तरफ जा रहा है, ये ब्रोन हो जाएगा, मिक्स करेंगे 5 से 10 मिनट, कितना ना वेट कर देंगे 5 से 10 मिनट, ठीक है। तो 5 दफा अब ये देखो कलर चेंज हो गया, ब्रोन हो गया, इसी को एसिड हेमाटी
एनवाटेन जब ब्लड के साथ मिक्स हुआ उसको क्या कहेंगे एसिड हेमाटिन। इसका कलर क्या हुआ? अब इसको मैच से देखो, ये मैच में देखो ये डिप है ना, ये दोनों बॉक्स के सामने ये डिप है कि नहीं डिप। अब इसको मैच डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर है थोड़ा एक दो प्लेट डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ नहीं है, एक भी नहीं है। अच्छा यही फ्लूट लाइन ये लाइन मिलाना है, बता देना है कैसे। देखिए अगर देखिए इसको देखिए ये हम डाले मान लिया इतना डाले ऐसे करके थोड़ा सा डालकर मिक्स करना है। ये मैचिंग बॉक्स है देखो ये अभी भी डीप है इतना तो डालते रहना है वेस्ट वाटर से कि दोनों बराबर हो जाए मैच। तब जितना ग्राम उतना परसेंटेज मान लीजिए ये देखिए अब मिक्स लगभग मैच हो गया, थोड़ा सा है हल्का सा डिफर है लेकिन देख लो गौर से देखो लगभग मैच हो गया। देखो तीनों मैच से देखो पिक्चर मैच हो गया ठीक है, इसको कहते हैं गुड मैच। अब गुड मैच हो गया, अब इसमें देखो कितना मार्क्स तक है गौर से देखो, कोई आदमी देखो कितना मार्क्स है, 8 है, 8+2 मान लिया 9 है। तो 99 पर ग्राम मतलब 90/60%, 8.5 मतलब 60% 50% और ये 9 ग्राम मतलब 60% आपका हीमोग्लोबिन है शरीर में, जिस पेशेंट का है वह 9 ग्राम का हीमोग्लोबिन से सब ग्राम है, होना कितना चाहिए 14 ग्राम होना चाहिए। तो 8 या 8 से बिलो की एनीमिया कहेंगे, और लेकिन 9 है तब भी एनीमिया में है, एनीमिया नहीं कहेंगे, खून की कमी है लेकिन प्योर पैथोलॉजिकल एनीमिया नहीं कहेंगे। एक एनीमिया है, एक है पैथोलॉजिकल डिजीज में कन्वर्ट हो गया, इसको कम है, इसको मेडिसिन देकर आई है, डिजीज अभी नहीं आए, एनीमिया नहीं कहेंगे पूरे, लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, डिक्रीज है कहेंगे उस पेशेंट को। यदि याद आ गया तो ये देखिए इसे मैच करके मैचिंग बॉक्स से किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल ये जो मिस्टेक इसी पता क्लिनिकल एक्सपर्ट आपने पैथोलॉजी में या फिजियोलॉजी में जो आपने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा उसको आपने बाजाबता क्लिनिक में एक्सपोज किया देखा कि इसी को क्लिनिकल एक्सपोज आती है। पैथोलॉजी सेंटर पैथोलॉजी का ये प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन था हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन सैलिज मेथड इसको कहते हैं, सैलिज मेथड कौन मेथड कहते हैं इसको, सैलिज मेथड कहते हैं, जो सैलिज मेथड कहते हैं ये सैलिज मेथड से ये हो गया। और वहाँ ट्यूब था वो विंट्रॉफ ट्यूब मेथड ये साल का था, वेस्टर्न ग्रीन मेथड नहीं था, विंट्रॉफ ट्यूब मेथड था। तो हर का अलग अलग मेथड है उसी हिसाब से करते हैं। आइए सर एक सेकेंड के लिए, ये आपको मैंने बता ही दिया था कि देखिए मान लिया केमिकल है ये दे रहे हैं ब्लड है, देखिए BSCL2 होता है ये ट्रीटमेंट के लिए हम लोग करते हैं। और ये देखिए WBC2 है, ये WBC2 फ्लूड का गया है, ये ब्रेन ब्लड है, WBC2 है फॉचेस रीजन है, बेंजीडिन पाउडर है, ये पाउडर है उसके ऊपर ब्लड कोई भी यूरिन में या फीसेज में, फीसेज में स्टूल में ब्लड छुपा हुआ ब्लड को देखने के लिए करते हैं, जैसे मेरी ना है अंसर है कैसा हिमोग्लोबिन है उसको देखने के लिए ये बेंजीडिन में करते हैं। इसके बाद देखते हैं ये सोल्यूशन क्या है, लिस्मन स्टेट है ये अर्लियर है, ये काला दाल के लिए फॉर्मल्डिहाइड टेस्ट होता था, उसके बाद पहले होता था काला दाल के लिए फॉर्मल्डिहाइड टेस्ट काला दाल के लिए। तो ये सब जो है पहले बेनेडिक्ट सोल्यूशन था ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए, बेनेडिक्ट सोल्यूशन था तो 5 में बेनेडिक्ट सोल्यूशन लेंगे और 8 से 10 रहेंगे और बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के बाद जिससे कलर मैच कर जाएगा, अगर रेड है नेगेटिव है इस तरह फेस है इस तरह सब चारों तरह मैचिंग होता था उससे मैच कर सके। तो इस तरह से शुगर यूरिन शुगर का टेस्ट करते थे। तो ये लेबोरेटरी है, ये सब टीम आपको देखा जाएगा, जैसे कि इनवाइटिंग रेशियो करने के लिए ये सब है। तो ये लेबोरेटरी एक्सपोजर था कुछ मैंने बात आज बता दिया, इसलिए कि मैं इसका इंचार्ज हूँ सिर्फ पता चला था एज ए इंचार्ज, मैंने इस पर भी मिस्टेक आपको बहुत क्लैरिटी बता दिया ठीक। ओके बहुत बहुत शुक्रिया। देखो